बंदी है फुल ड्रामेबाज। अगर इन लोगों को ठीक है हम लोग कहीं ले के ना जाए तो ये पता क्या कहती है, ओए होए हम तो घर पे रह गए, हम घर पे बूढ़ियां हो गई हैं, मर गई हैं, बच्चे संभाल संभाल के तुम लोग। मेरे ससुर साहब की कल बरसी है, यानी कि कितनी जल्दी साल कंप्लीट हो जाता देखो पता भी नहीं लगता है। आपने जो गुनाह वगैरह किए होंगे तो उनकी सजा लेके फिर जाओगे, ठीक है। हम तो वैसे ही शरीफ से बनते होते, तुम क्या मौलाना बन गए हर टाइम जा रहे हो। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला मेरे बहुत जो है ना वो रहीमो करीम बख्श देंगे। नहीं अल्लाह मियां इंसाफ नहीं करना, अदल इंसाफ नहीं करना, ऐसी माफ कर देना। यहाँ मेरी आंखों के सामने बैठ गए, मुझे मैं जन्म ही डिग नहीं नहीं आपने मेरी अबे यार नहीं अजीज साहब की कितनी गाड़ी है कचरे वाली। एक गाड़ी तो मैंने इसको चलाने के लिए दी। लो जी इनको बजट मिला है, हम हमारे लिए डेढ़ दो दो किलो चिकन अभी पाव में बिरयानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। भाई बात सुने, आप मजाक भी करें, पाव से बिरयानी नहीं बनती। हाँ क्या दे दे भाई, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी किस चीज की, बिरयानी। तो भाई सबसे पहला स्टेप ये है कि प्याज को डालो तेल के अंदर और उसको फ्राई करो, तब तक उसका कलर चेंज कर दो, जैसे बिलाल साहब का विटामिन डी लेने के बाद कलर चेंज होता है। मुझे एक बंदी ने बोला भाई आप इतनी पढ़ी लिखी है, बिलाल साहब के साथ ऐसे बात क्यों करती है। बहन मेरी जिस टाइम इतनी सॉलिड किस्म की तुम्हें मिर्चें लगनी है ना, तमीज जानी है कहीं और। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। और अभी सीन कुछ इस तरह से कि बिलाल साहब पड़े हुए मेरे पीछे के भाई चलो तुम मेरे साथ अभिया बाजी को लेने। एक बात बता दो मुझे बिलाल साहब, अभिया बाजी क्या बहुत भारी है या जो मैंने सामान मंगवाना है वो बहुत भारी है? क्या चाहते हो, इतनी कड़कती धूप में हम जाएं, वैसे ही रंग बहुत खूबसूरत है उसको भी जलाएं, क्या चाह रहे हो बता दो। तो गाइज मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। गाइज ये देख लो, ये जो बंदी है ना, ठीक है ये बंदी है फुल ड्रामेबाज। अगर इन लोगों को ठीक है हम लोग कहीं ले के ना जाए तो ये पता क्या कहती है, ओए होए हम तो घर पे रह गए, हम घर पे बूढ़ियां हो गई हैं, मर गई हैं, बच्चे संभाल संभाल के तुम लोग के काम ही बन गए, काम कर दिए, ये हो गया वो हो गया। तो गाइज मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, ये ना बिलाल भाई बोल के मैं भूल गया हुआ था, ठीक है। तो ये खुश किस्मत है, ऐसे खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसका मियां खुद कहता चलो बेगम चले बाहर कुछ चीजें मिले लेके आए, तो देख लो कैसी नकम्मी, मैं कह रहा हूँ बजट क्या क्या बांट दो इनको, ये देखो हैं। शुक्र अल्लाह मियाँ ऐसा चार बाल वाला आपने मेरे को दे डाला, शुक्र अल्लाह मियाँ ऐसा प्यारा आदमी आपने मेरे को दे डाला। होशो क्या होगा तुम्हें, ये चार बाल वाली क्या कहानी तुमने बोली है? तो ये क्या सीन था? चार बाल नहीं, ये क्या सीन था ये बताओ मेरे को, माना देखो चार बाल उस पर भी वो बाल मेरी जान के। तो गाइज आपने ठीक है अपने भाई की बात याद रखनी है, ये अभी संडे आ रहा है ना, इस संडे आपका भाई बिल्कुल गंजा होने वाला है ना, इतने इतने बाकी जितने बाल ना, या मुस्तफा के आपने नहीं देखे तो दिखाएंगे, मुस्तफा के बाल किसने किए, ये तुमने किए। तो भाई उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, बिलाल साहब ने बोला कि भाई मैं जाऊँ ना उसके बाल कटवाऊंगा, कटिंग करवाऊंगा संडे वाले दिन। मैं अच्छा ठीक है, संडे गुजर गया बिलाल साहब को याद ही नहीं रहा सुबह इतने बड़े बड़े बाल उसके। मैंने तो पकड़ के ना स्कूल जाने से पहले वो इनकी मशीन जो नहीं है उसका बड़ा वाला नंबर वो चला डाला लड़के की जुल्फे का एक काम से। मैंने कहा अब ना तुम्हें कंघी करने का झंझट, नहीं तो इसके पीछे पीछे बाप कंघी छोड़ता नहीं है, वो कंघी पकड़ता नहीं है। अच्छा क्या बात है, हमें टोंड मारी हमारे बालों के ऊपर, ऐ मेरे मौला ऐ मेरे अल्लाह। उधर देख भाई क्या आप कंघियां कर रहे हो, कह रहे मैंने बाहर जाने, तो कर ले गले जल्दी, ऐ मेरे मौला ऐ मेरे खुदा मेरे बाल घने कर दे, सभी लंबे लंबे बाल कर दे, और ऐसे मैं यूं स्टाइल मारूं जरा बस ऐसे करके स्टाइल मार, आखा कड़ाका ना निकल जाए इस उम्र में, बस कर दो। तो क्या हुआ, वो भी कह रहा है बाबा तुम्हारी हर बात सुभान अल्लाह। इधर मेरी बात सुनो यार, कल आपके जो है ना अब्बू की वो बरसी भी है, मेरे ससुर साहब की कल बरसी है, यानी कि कितनी जल्दी साल कंप्लीट हो जाता देखो पता भी नहीं लगता। तो भाई उनकी बरसी के लिए भी कुछ लवाजमात तैयार करने हैं, तो बाकी उधर भी आओ। और मैंने वो ना सूट अभिया का वो भी चेंज करवाना है, स्कर्ट ब्लाउज दे के भेज दी। एक तो ब्रांड वालों के भी आजकल तमाशे हैं, पहले उसके ऊपर पूरी छानबीन किया भाई, गलत सूट आपने दिया है तो हम क्या करें, दूसरी ब्रांड तो इस तरह नहीं करती, भला वो कहते हैं आप लोग ले आओ वहां से चेंज करवा के लिए आउटलेट के ऊपर से, ठीक है। मगर यहाँ पे कह रहे हैं नहीं हम चेक करेंगे, पहले बार कोड सेंड करें, हमें ऑर्डर नंबर बताएं, हमें फलान करें, पिक्चर भेजें, फिर जाके इंक्वायरी बैठेगी, वो सारी इंक्वायरी करवाने के बाद ये हाल हुआ है। क्या वो कह रहे हैं बस कर दे तूने तो इधर सारी कविता सुना दी हमें कि ये वो लटर पटर, बस सही है ठीक है भाई, जिसने चीज वापसी करवानी हो तो कंपनी है, कंपनी होती है, थोड़े से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले सही तरीके से भेज दे। मुझे जो है ना वो दिक्कत मची, मुझे अब इस बंदे की मिन्नत करनी पड़ेगी कि मुझे लेकर जाओ वहाँ पे मॉल और जाके चेंज करवा। अब चल सही है कर ला इंशाल्लाह। तो गाइस मेरे अब्बा की पहली गल ठीक है बरसी है, अल्लाह ताला ठीक है उन्हें जन्नत में जगह दे, और जन्नत में है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे तो दिल से अच्छी फीलिंग आती है। देखो हमने भी जन्नत में जाना है इंशाल्लाह ताला, काम तो कोई नहीं हमारे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जबरदस्ती ले जाएंगे। लेकिन यह है कि याद रखो सजा कटने के बाद, इस जो गुनाह वगैरह आपने किए होंगे ना आपने, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं, आपने जो गुनाह वगैरह किए होंगे तो उनकी सजा लेके फिर जाओगे, ठीक है। हम तो वैसे ही शरीफ से बनते होते, तुम क्या मौलाना बन गए हर टाइम डरा रहे हो। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला मेरे बहुत जो है ना वो रहीमो करीम बख्श देंगे। नहीं अल्लाह मियां इंसाफ नहीं करना, अदल इंसाफ नहीं करना, ऐसी माफ कर देना।
अच्छा, वो इंसाफ वाला इंसाफ तो पक्का करता होता है, वो इंसाफ के बिना कुछ नहीं करता, लेकिन वो रहीम व करीम है, उसकी कायनात है, उसके सारा कुछ है, जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे रोक ले, उसकी मर्जी है। बात बताओ तुम्हारा क्या दिल है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, मैं अगर जाके जहन्नम में चढ़ूं, तुम जाके 70 हूरों के साथ मौजे मनाओ। अरे यार तेरे बिना क्या मुझे अच्छी के उरे मेरी गुलाम होगी, उरे मेरी गुलाम होगी, मैं क्या जाके जिद्दत में अकेला करूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, ठीक है, और तुम्हारे लिए ठीक है रिक्वेस्टेड डालूंगा अल्लाह ताला जी, मैं इंतजार करूँ, मैं दरवाजे के अधीन, मेरी बात सुनो, मैंने पता क्या जन्नत का दोजख का दरवाजा एक साथ मत ऐसे होता ना, ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे के अंदर एंटर होऊंगा और दोजख के दरवाजे के सामने ऐसे जाके बैठ जाऊंगा, अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे भाई क्या हो गया, तेरे को जन्नत दी है 70 उड़े जा उधर, मैं बोलूं नहीं मेरी प्लीज मेरी दीदों को आने थे, मैं फिर जाना, मैंने इतनी बैठे रहना, मेरे बच्चों से रोना, चल निकल आ, देखो जरा दुनिया मेरी आंखों के सामने बैठ गए, मुझे मैं जन्नत में दिख नहीं, आपने मेरी अबे यार नहीं देखो, इसने मुझे जन्म ही देवदास की औलाद बैठा रहेगा उसके आगे है और कहेगा मैं तो 70 उरों के साथ जाऊंगा, और वो बादशाह देखो यहाँ तक खिल, मैंने देखो इसने खुद बोला है मैं जहन्नम में हदाना हाता, मैं जहन्नम में चली जाऊंगी, मैंने आपने अभी वीडियो में देख ली थी, आप लोग बताइए खुद बोला अगर मैं हदाना हाता मैं जहन्नम में चली गई तो आप तो यशी मारे, मैं नहीं यशी नहीं मारूंगा, मैं जहन्नम के दरवाजे के ऊपर बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे अल्लाह ताला मेरी जीजों को निकाले जहन्नम से, मैं फिर जन्नत में जाऊंगा, 70 उरों का बोलूंगा वेट करें आपकी आ रही है सरदारनी आ रही है आपकी, तो आप फिर उसके बाद ठीक है अपने काम वाम ये कीजिएगा, सफाई खाने में बना के उसके बाद दीजिएगा, उरों का यही काम होगा, हमारी खिदमत गार होगी, माफ कर देंगे, तुम जाओ यार तुम्हारे बस में आना, तुम तो अच्छा तेरे भैया आ गया नीचे ना, जा बेचो जाकर क्या तुम भी माल जाओ, कचरे की गाड़ी आ गई, कचरा लेके आ रहे हैं भाई, टेंशन नहीं ले, कचरा लेके नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो गाइस आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक भी फटाफट करो, अभी अभी फातिमा को चलते हैं स्कूल से लेने के लिए, और कुछ चीजें उन्होंने लेनी है वो भी लेते, क्या हो गया नाराज क्यों, अब मैंने क्या बोल दिया, क्या हो गया तुम्हें नाराज क्यों है यार, बड़ा ना वो किलर दिमाग का आदमी, मैं समझ गई, मैं कटा के तो निकल गया, अबे नहीं मेरी शहजादी की हो गया, की हो गया मेरी शहजादी, क्या हो गया मेरी शहजादी, अबे मेरी जानो कहा हो गया तेरे को, ठीक है, ऐसे अपना आप गुनाहगार फील होने लगे सारे, वो लगा तो गुनाह मत किया करे, आपको बोला है अल्लाह से तौबा किया करे और सवाब के काम किया करे, गुनाह मत, आपको लगता है गुनाहगार है ना तो मत किया करे, तो जो मेरे को जानता नहीं है ये, वो जो बंदे को ऐसा लगता है ना वो गुनाहगार है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अल्लाह से माफी मांगे और गुनाह के कामों को अवॉइड करें, ठीक है, नेकी के काम किया करें, ये देखे माशाल्लाह, अल्लाह मियां सबसे बड़ा गुनाह तो ये हो गया इस बातूनी आदमी से मैंने शादी कर ली जिसने मेरे पे वीजा लगवा दिया जन्नम का, देख लो तो गाइस ये चेक करो, हमसे गुनाहगार से बंदे से शादी कर फंस गई है, ठीक है, क्यों किया तुमने इतना गुनाह मुझे बता दो, गुनाह मैंने तू ही गुनाहगार है, अल्लाह से ठीक है हर बंदे को, ठीक है तौबा कर, तौबा इस्तगफार अल्लाह करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और हमें चाहिए हम नेक काम करें, ठीक है, आपको भी चाहिए, आपको नेक काम करना चाहिए, ठीक है, गुनाह वाले काम शादी करके कितना नेक काम किया इसी के ऊपर मुझे जन्नत मिली, अच्छा क्या वो कह रहा, चल भी पढ़ो भाई इधर ही आप लोगों की सारी गिफ्टों को, चलो चलते हैं प्लीज चैनल के ऊपर सब्सक्राइब, वीडियो पसंद लाइक करो जल्दी से, भैया फातिमा को ले जाना, चलो फिर A few moments later. Guys, यहाँ पे देखो फेरी लगाते हुए अपना कचरा बांटते हुए लेके जाते हुए, हाँ तुम ही कचरा लेकर जा रहा है, ये हाँ घरों बारे जाओ जाओ जल्दी जाओ, तो भाई हम जो है ना ताली लगा के जा रहे हैं, देखो ताली भी माशाल्लाह शानदार है, इतनी प्यारी ताली है, तो गाइस गाड़ी हमारी किधर की कचरे वाली, अबे वो है गाड़ी, तो गाइस ये देखो आपका भाई ऐसे लगी हुई है कि कारोबार नहीं कर रहा ना, ये गाड़ी हमारी आई है कचरे वाली, इसके तरह फेंकने लगे, ये देखो ऐसे ऐसे करके फेंकने, अच्छा ये हम तो खुद ही फेंकने जाते हैं, तुम्हारे ठीक है रिश्तेदार, अजीजा की कितनी गाड़ी है कचरे वाली, गाड़ी तो मैंने इसको चलाने के लिए दी, गजब बेइज्जती है, मैं तुम्हें रोस्ट करूं तो मेरे को कर रही है, ये क्या बात है, गाड़ी तो मैंने इसी को चलाने, धंधे का जो है ना वो सरदार इसी को रखा हुआ, यही सब कचरा उठा, वो कहाँ है चाबी है तो इसकी हट रही है, आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बता दो लाइक आपने जरूर करना, इसकी हट रही है, गुस्से में आ रही है, A few moments later. कैसा पेपर हुआ, मैं कुछ अच्छा सुनाया कुछ गलत, देख लो बच्चे मन के माशाल्लाह, पता नहीं क्या करना चाहिए, माशाल्लाह बच्चे मन के अच्छे होते हैं, तो भाई इनका पेपर हो रहा है वही हम इनको लेने हैं, जल्दी छुट्टी हो गई है भाई को, भाई की तो अभी छुट्टी नहीं हुई, हर टाइम लड़ते रहते हैं और अभी भाई की इतनी सगी है कि भाई को लेकर जाने हैं, तो भाई अभी हम बिरयानी का सामान, अभी आप बिरयानी किसको खानी है भाई, आपने खानी है, तो भाई बिरयानी इस लड़की के लिए स्पेशल बननी है, और आलू कितने डाले, रात रो रही थी कहती मुझे बिरयानी खानी है,
तो गाइस आप लोग बताओ कौन कौन सही शदीद वाला बिरयानी लवर है, तो मेरे घर में ये तो कहती है तीन टाइम बिरयानी होनी चाहिए, बिरयानी खाओगे तो आपके हाथ पाओ जाना वैसे ही काम करना छोड़ देंगे। हमको सिखा रही है तो भाई जल्दी करो और जो है ना जाके हम लोग लेकर आते हैं। अभी मुस्तफा साहब स्कूल के अंदर है और हम लोग जा रहे हैं बाकी सब्जी मब्जी लेने और बिरयानी वगैरह के सामान लेने। बाकी अभी आप बाजी आज आपकी खातिर हम जरा जेब खोल के खर्चा करने लगे। मेरे ख्याल में 24,000 का तो हम राशन ले आए थे, उसके अंदर से 1,000 रुपया हमने 1,000-1,500 फिर खर्चा किया। अभी हमारे पास और पैसे लगने वाले हैं, जाके घर हिसाब किताब करते हैं। A few moments later. ये देख लो आपके पापा भी वीडियो में आ गए हैं, क्या हाल है तेरे? अपने बच्चों को बोलिए आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ, ठीक है? तो बेटा आपके ना हम लोग आपकी शॉप से चिकन लेने के लिए आते हैं, ठीक है? तो भाई कितना करना चाहता बताओ। लो जी इनको बजट मिला है, हम हमारे लिए लेटर 2-2 किलो चिकन, अभी पाव में बिरयानी बनाने के बारे में सोच रहे। भाई बात सुने, आप मजाक भी करें, पाव से बिरयानी नहीं बनती। 1 किलो ले लो भाई, चलो जी 1 किलो चिकन करो, कोई अच्छी सी मुर्गी काटो, हमारे हाथ बजट है, एक फ्रेश मुर्गी काटो। हमारे हाथ बजट आया तो वैसे ही मुर्गियाँ महंगी, मुर्गियाँ नहीं महंगी होगी, मुर्गी पहले से महंगी थी लेकिन आपको ठीक है, अपने पैसे बचाने के चक्कर में ना ठीक है का काम कर रही है, तो कम से कम आपको ना ठीक है। वो खत्म वाला प्रोग्राम भी क्या हमारी जेब से होगा? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे अब्बे का खाता है, मैं खुद कर लूंगा, टेंशन नहीं है ना, वो मेरी जेब से जाएगा सारा कुछ ना। आपको ठीक है बजट आपने, बता तुम्हारा ससुर है, तुम खर्चा फिर करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, करो क्यों नहीं, जेब तुम्हारी मार लूंगी, जेब तुम्हारी। तो वो गाइस वो बजट से हट गया ना, वो खर्चा मर्चा जितना होगा वो इंशाल्लाह ठीक है, वो मैं अलग से लगा दूंगा, टेंशन नहीं। कल हमारे अब्बा की बर्थडे है तो कल हमारे लिए ठीक है, बहुत सैड सा दिन है, तो बाकी हमारी दिल से दुआ है, जिस जिसका जो जो भी दुनिया से चला गया ना वो जन्नत फरदौस में अल्लाह ताला मकाम हासिल कर। Few inches later. So guys, मुर्गी जो है ना नहीं उन्हें 500 की नहीं आई है, 950 रुपए की मुर्गी आई है, यकीन करो आप लोग इतनी महंगाई चल रही है उसके ऊपर से बंदा बोल रहा है कि सुधारे करो, नहीं आगे से आलू और प्याज दे दे, आलू प्याज लेने, टमाटर पड़े हुए, लहसुन पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ, ठीक है ना, दही लेनी है, बर्फ क्यों लेनी है, घर में फ्रिज है भाई, है घर में फ्रिज, तो लड़की मेरी फुल प्यासी हो रही है, बाकी हम लोग घर चलते हैं, उससे पहले हम लोग आलू प्याज लेते हैं और दही लेते हैं, ठीक है ना। और ये हिसाब किताब हो रहा है, ये बाकी सारा सामान होने के बावजूद ये बिरयानी मुझे जो है ना 1,000 से 1,500 रुपए की पड़ गई, ठीक है भैया साहब, मुझे क्या बता, आपको बताओ मेरा बताओ ना, तो सब्जी जो है ना अभी आई है, ताज़ी ताज़ी ले लो ना, यहीं से ले लो, अल्लाह के बंदे देखो जरा, अब घुमाने का शौक है, उसके ऊपर से सन ब्लॉक हम लगा के नहीं आए हुए, सूरज जो है ना उसकी रोशनी ऐसे आ गई, बैंड बजा रही है। आप प्याज कैसे दे रहा है? 150 का प्याज, 150 का प्याज मुनासिब नहीं करेगा, कितना मुनासिब कर, आईफोन बाजी का देख के रेट नहीं बताइयो है, मैं गरीब हूँ, बाजी इसके साथ नहीं है, ये आईफोन हमारे साथ नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, 140 यार, सूखा दियो भैया, ठीक है 1 किलो कर दे और साथ में आलू भी 1 किलो कर दे। ये वाला कौन सा है, लाल है पीला है? हाँ बस सही है, ये कर दो, सही है वो। टमाटर है ना? हाँ टमाटर है, अभी टमाटर नहीं चाहिए। गाइस आप लोग बताओ आपके शहर में या आपकी कंट्री में प्याज का रेट क्या चल रहा है? कराची में 140 रुपए पर केजी प्याज का रेट चल रहा है, 150 से 140, 140 रुपए चल रहा है, ठीक है। और आलू किस तरह है? आलू 120, 120 है, लड़का तो हमारा प्याज वाला, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। आलू है 120 रुपए पर केजी, और आपके शहर में या आपकी कंट्री में क्या रेट आलू और प्याज का चल रहा है, तो कमेंट करके आप लोग ने जरूर बताना हमें, सही है। तो भाई सब्जी जो है ना वो ताज़ी ताज़ी मंडी से लेकर आएगा, हमारे शहर में ना देर से सब्जी आती है, यानी कि 11-12 बजे तक आती है, लोग भी नवाबी है ना, लोग उठते ही लेट है, वैसे सुबह जाया करो, सुबह जाया करो मंडी, सुबह जाया करो, मंडी बंद नहीं होती, कर दिया आपने, कहाँ किया? पोटैटो आप करो, लड़का लड़का सारी अंग्रेजी बोला, पोटैटो कितने करो? पोटैटो 1 केजी कर दो भाई, हाँ सही है, कर दो कर दो। हाँ क्या दे दे भाई, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे। कोई तरीका है भीख मांगने का? वो कह रही है चाह तो पिला। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चाह ठीक है, गर्मी है चाह। अच्छा कर दिया ना उसने, दो अभी दो ना पैसे, मेरा भी यही हाल हो गया, दो ना पैसे। A few moments later. Guys, finally, हम लोग आ गए मरते खपते गर्मी के अंदर, इतनी शदीद गर्मी है ना, इधर जरूरी था तुम मुझे साथ में लेके जाओ, भून भुना के ले आओ, हम काले हो रहे हैं, तू ना काली है। अच्छा बहुत तेज आदमी है, जानबूझ के मिलेगी, नहीं हम काले हो रहे हैं, तो गोरी की देवी है, हुसैन की देवी इनकी मुरझाई हुई है, तो इन्होंने हमारी बहन बजाई, नहीं नहीं क्या तुम क्या चाहती हो, ठीक है हम लोग जी तो गए ऐसे, ठीक है हम लोग काले श्या हो जाए और ये गोरी चिट्टी होती है, ऐसे नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, तेज क्या कहते हैं जोड़ी एक जैसी रहनी चाहिए, एक जैसी दोनों नजर आने चाहिए, हिम्मत खत्म हो गई, यकीन करो सुबह सुबह ना रो रो पूरा ना, बहुत आदमी रोती है ये बता, तो पूरा रो, तो गाइस आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी मस्ट है, क्या वो फिर भाग रहा है क्या, तक्कू किधर जाना है अब आपने, आज आज माशाल्लाह हमारे तक्कू बाबा को गाइस चेक करें, आप लोग भी कमेंट में माशाल्लाह जरूर कीजिएगा, सीढ़ी चढ़ती भी आ गई, उतरती भी आ गई, कैसे चढ़ती है सीढ़ी,
जैसे जैसे चढ़ रहे हैं ऐसे ही चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, नजर ही नहीं आते। One hour later. ऐसे नाश्ता दे रही हूँ। नाश्ता तो गए जी, नाश्ते को आज इग्नोर करना कि हम कहाँ बैठ के खा रहे हैं, हम आज बेड पे बैठ रहे हैं खा रहे हैं, आपको बता दूँ क्योंकि आगे पीछे जाना हमारा साफ सफाई का किस्सा चल रहा है। बाकी आपका बेटा चाय में फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। क्या खाना था को, आपने क्या खाना? सैंडविच नहीं खाना फिर तुमने? अभी बना दे यार, क्या कह सकते हो? नखरे हैं भाई यहाँ पे लोग। अभी नखरे नहीं, मैंने कहा अगर टाइम लग रहा था छोड़ो ऐसे ही दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं लगा तो आप टाइम ले। हां सब कुछ करके ले, टाइम नहीं लगा टाइम ले। तो गाइस आज थोड़ी सी धूप है, ये जो धूप थोड़ी सी बहुत तेज धूप है। ये जो धूप है ना थोड़ी सी, ये धूप पता है क्या, ये सब जब धूपे थोड़ी सी पड़ेगी इसके बाद इंशाल्लाह था। देखिए मौसम ठंडा ठार, दिल बार गले की रात का नया साल, बिल्कुल कूलम कूल हो जाएगा, ठंड आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ठंड यकीन करो बड़ी जबरदस्त होती है, हम लोग भी ठंड काफी ज्यादा पसंद है। बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गर्मी भी अच्छी है ठंड भी अच्छी है, लेकिन गर्मी के अंदर बता ना ठीक है, जब पसीने आता है धूप बहुत ज्यादा होती है, बंदे का हाल ज्यादा बुरा हो जाता है। और ठंड में भी लेकिन कम बुरा हालत है, कराची में बहुत शदीद ठंड नहीं पड़ती है। क्या मुझे भूख नहीं है? उसका रख देना ठीक है, जब से भूख लगी यही दीजिएगा और कुछ नहीं दीजिएगा ना, यही बात होती है। अबिया को बुलाना जरा, अबिया को, अबिया फातिमा, अबिया फातिमा, आप जब तक बातों में लगे रहो आपका बेटा जो ना देखना क्या कर रहा है। क्या करना चाह रहा है मेरा काका? चाय भी नहीं है? आऊं? अच्छा जी चाय पिएगा तका बाबा। तक्कू बाबा कह रहा है बाबा गाइस चाय पीनी है, ठीक है आपके बच्चे भी चाय पीते हैं तो कमेंट जरूर बताएगा। लेकिन चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जबरदस्ती से छीन छीन के पीते हैं, जो चीज इनके लिए नहीं सही होती ये वो ही पीते हैं। तो कमेंट जरूर बताएगा आपके बच्चे चाय पीते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, वो फीडर में डाल के भी चाय, शदीद चाय लवर होते हैं छोटे बच्चे, यकीन करो मैंने फीडर में डाल के बच्चों को देखा चाय पीते हैं। हमारा बच्चा फीडर पे ना लगा, हमारा बच्चा फीडर में दूध भी नहीं पीता। खराब होने वाली है क्योंकि 2 साल का होने वाला है। तो कोई बात नहीं, देखिएगा ऐसी की तैसी करनी है मेरी। नहीं नहीं बहुत बहुत नाइस बच्चा, ये देखो पहले से खा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मीनवाइल गाइस आपको जो बंदा नजर आ रहा है ना हंसता चेहरा के पीछे, नहीं जाना फुल मक्कार बंदा है। क्या हुई? मैं गई हूँ दूसरे कमरे में पता नहीं किसी काम से, तो यहाँ पर आई हूँ, देखो मुझे कह रहा है अपनी चाय तो पी लो, और आपको लग रहा है इतनी चाय मेरे मतलब, ये इसने अपनी चाय खत्म नहीं की, इसने पूरी चाय मेरे मत्थे मार दी है, ठीक है बोल रहा है अपनी चाय खत्म, बराबर के कप थे दोनों। तो बात सुनो मेरी, चाय लवर कौन हमारे घर में, चाय लवर कौन? आप तो आप ही ज्यादा चाय मंडेंगी। आप याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं सर्दियों में भी चाय नहीं दूंगी। नहीं मैं पीऊंगा सर्दी करी, दो पीता, लेकिन जितना दिल होता पीता, थोड़ी सी चाय पीता, ज्यादा नहीं पीता ना। तो ये नहीं, चाय लवर नहीं है तो छोड़ दो ना फिर। लवर नहीं है हम, ठीक है चाय लवर नहीं है, लेकिन हम चाय पीती है थोड़ी। ओके बास चाय के मामले में चाय पिए, आपको बहुत पसंद है चाय लवर है, जल्दी से पिए शाबाश जल्दी, कम ऑन नेक्स्ट टाइम तुम्हें चाय नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, मैं काम पे जा रहा हूँ, ये पूरा पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही मियां को इतना लेट काम पे बुझाती है, और तू को चाहिए सुबह 6 बजे 7 बजे मियां लोगों को दूसरा नाश्ता कर रहे हो तुम, पहले दही खा के सुबह बैठे हुए अभी ये खा के बैठे हुए। याद आया मेरे को गाइस मैंने नाश्ता एक कर लिया दही के साथ। हाँ मेरी ऑडियंस के सामने मुझे बातें सुनवा रहे, तो गाइस ये भरा हुआ ना ये कुआं ये हम खत्म करते हैं, ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही है आप अभी एलईडी देखें, आप रात को मत देखिएगा, और ये एलईडी लगा कर बैठ गए, और बाकी मैं एक चाय पी, चाय वैसे वाकई बड़ी मजेदार बनी हुई है, बंदे को कदर नहीं है चाय की, ठीक है ना मजेदार। तो आपने खाना नहीं है कुछ, तभी ऐसी चूहों वाली शक्ल निकली हुई है तुम्हारी। तो गाइस इसकी जो हेयर कटिंग है ना वो आपकी बहन ने की है, बताना कैसी लग रही है? एकदम बकवास, चुप्पे बकवास लग रही है, कह रहा एकदम बकवास लग रही है जो आपने हेयर कटिंग की है। बाप बेटा दोनों हक्का बक्का हो गए, कहते बेटा तो कहते ये क्या कर दिया आपने, बाप कहते ये क्या कर दिया मैंने नाई के पास, भाई टाइम से लेके जाया करो नाई के पास भाई, नाई हमारे टाइम टाइम से काम करना, नहीं मारना चाहिए। अच्छा आप लोगों का भी और मेरा भी किचन में, और अभी वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी किस चीज़ की, बिरयानी की। तो भाई सबसे पहला स्टेप ये है कि प्याज को डालो तेल के अंदर और उसको फ्राई करो, तब तक उसका कलर चेंज कर दो, जैसे ब्लास आपका विटामिन डी लेने के बाद कलर चेंज होता है। तो ये देखें जी ऐसा कलर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा तरोका डालेंगे पानी का, देखें जरा धुआं उठ रहा है ऐसे जैसे जो ना हंसत के भड़कते हुए। ये क्या है भाई ड्रोना आदमी। गाइस वेलकम बैक, आपका भाई घर पे वापसी आ चुका है। क्या हो गया? मैं भी फ्रेश हो गया, मैं शर्टमेंट पहन के आता हूँ, फिर आपसे कर दूँ आगे बाहर। जाओ यार अंदर जाओ, देखो जरा सारी रेसिपी की ऐसी की तैसी करने आ गया है बंदा। तो भाई इसके अंदर पानी डालने का मतलब ये होता है कि प्याज एकदम नरम हो जाए, और मेरे देखिए वो इग्नोर करना, आज मैंने जरा इसको रगड़ रगड़ के धोया है साफ किया, मगर उसके बावजूद इसकी ऐसी शक्ल, ठीक है। तो बर्तनों को इग्नोर करना, अपन डेली ब्लॉगर है, अपन कुकिंग वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो इस बंदे को जो ना हम लोग कहते हैं ओए बंदे क्या कर रहे हो, ये फिल्टर है मेरी मशीन के, ये जो मैंने धो के रखी है, समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ तो भाई ये जाना ये, और उनके भाई ये हमारे घर के साइंसदान है, जो हमारे घर को बम बारूद से उड़ाने के चक्कर में बैठे हो गए। Meanwhile जी शाह जी बड़ी बिरयानी है शिरयानी है। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कुंफू वाला जो हमने काटा था टमाटर वो हमने इसमें सूख लिया, सूखने के बाद इसको ऐसे रगड़ा लगा दें जैसे आप करते हो, उससे मैं अपने हस्बैंड को रगड़ा लगा। हैं हस्बैंड को रगड़ा? इतनी किसकी मजाल है, किसकी मजाल इतनी है हमारी,
हमारी तो ये क्या आपके नाक के पास दाना निकला हुआ है? हाँ, बस ये दाना शरीफ निकल गया आपको तो सही साफ सुथरा बंदा रहता है ना, मुंह सही धोता है। एक्सक्यूज मी, मुंह सही से धोती है, बस ये है कि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है कभी कभी, एक्ने अटैक कर देती। गाइस ये बिरयानी बनाने का जो तरीका है ना आपका भाई बताने वाला है। सबसे पहले क्या हो गया आपके, क्या देख रही है मेरे को? चाय तक बनानी आती नहीं है सही ढंग से, और ये बनाएंगे मैं। चलो चलो तुम ही बता दो भाई। ये देखो सबसे पहले प्याज डाला, थोड़ा सा वो डाला, इसको ऐसे इसका कलर चेंज करना है जैसे ब्लाउज सबका कलर चेंज होता है विटामिन डी लेने के बाद। क्या हो गया हमारे साथ? ठीक है, मजाक हो रहा है। क्या हो गया भाई? तकी बाबा क्या चक्रों में? ठीक है, अम्मा ने गलती से मशीन ले ली, ये तोड़नी है आपने क्या? ओ भाई मारो मुझे मारो। आपकी मैं आज ना बिरयानी बना रही है और आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर ये रेसिपी शेयर की जा रही है। भरपूर फरमाइश के ऊपर एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि भैया बाजी को आज मैंने ट्यूशन लगवा दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन सी जगह पे? वहीं पे जाना। टाइम सेम है अलग अलग? सेम टाइम है, मगर मैं टीचर को बोल गया कि दोनों को एक कुछ शुमाल में बिठाओ, एक कुछ जुनूब में बिठाओ, ठीक है, साथ में बिठाना। तो चलो हमारी जो बेटी साहब अभी वो भी ट्यूशन जाएगी, बेटा सर भी जाएगी जब, लेकिन ये दोनों ने मस्ती ज्यादा किया। टीचर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये दोनों को दूर दूर बैठाइएगा, नजदीक बैठेंगे तो ये पढ़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे तो काम खराब हो जाएगा और आपको गुस्सा आएगा। इस तरह से आपने ख्याल करना है, दोनों को बढ़ाना अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप, माशा मुस्तक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसके लिए लाइक देते हैं आपको। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो आप भी लाइक कर दीजिएगा जरूर प्लीज। जी मैं लाइक देकर आई हूँ, मैं कह रही हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ती है भाई, पहली ट्यूशन टीचर मुझे मिली है, दूसरी जो अच्छा पढ़ा रही है, एक वो थी जिन्होंने मकान से लेकर कहीं चले गए और एक ये जबरदस्त। तो आप प्लीज चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है लाइक करो, जाना कहीं नहीं है। वीडियो जो ना रेसिपी की फुल टाइम वॉच करनी है, आपने फिर बिरयानी आपने भी खराब करके बतानी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप खराब नहीं, आपने बिरयानी अच्छी बना के बतानी है, ठीक है? जो समझने वाले समझ चुके हैं। अबे साले जो समझने समझ चुके हैं। क्या हो गया बात कुछ इस तरह से कि चिकन को हमने काफी देर पहले जो है ना वो सिरका लगा के रख दिया। सिरका लगाने का मकसद ये है कि ना टूटे ही नहीं, जिस तरह इस तरह की मियां के हजरात की बातों से आपका दिल टूटता है ना लेडीज, नहीं आपकी चिकन नहीं टूटेगी बिल्कुल। तो चिकन बिरयानी बनाने का तरीका सिरका लगाओ और बिरयानी को नरम मुलायम कर लो, टूटेगी नहीं और अच्छे तरीके से खाई जाएगी। तो रेसिपी आपने नोट करनी है, आपका भाई बताने वाला है ये रेसिपी, आपको कहीं पता नहीं चलेगी किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको कोई कुकिंग चैनल रेसिपी नहीं बताएगा। कुकिंग चैनल वाले तो वहाँ पे जो है वो चने बेच रहे हो, कह रहे हैं आज वो चने ले लो चने ले लो, वो तो कुकिंग सिखाते ही नहीं है भाई। मैं अपने भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, बस इस बंदे को जो है आ जाती है पसंद। क्या भाई तुम नहीं एक्सपर्ट, हम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरे खाने में एक्सपर्ट है खाने में भाई। वो मेरे पास जो टोटके है ना बिरयानी बनाने के, ये मैं अगर आपको बता दूं ना तो आप अपनी उंगली खा देती हूँ, बताने वाला नहीं हूँ, इसमें बताने वाला नहीं है मैं, ठीक है, अपना नुकसान ना कर ले आप, ठीक है। तो अभी क्या कितने तक काम पहुंचे भाई? ऐसे रगड़ा लगा रहे हैं हम जैसे हम लाल सबको कभी कभी लगा देते हैं। आज जो है ना मैं वो करने लगी हूँ, ये बिरयानी बनाऊंगी, रात का टाइम है थोड़ी सी बनाऊंगी, कल मैंने पुलाव भी बनाना है, सुस्त साहब की बर्फी है उसके लिए मैंने पुलाव बनाना है, तो अभी थोड़ा सा खाने के लिए हम करेंगे, बाकी का मेन्यू आप लोगों को कल बताएंगे जो हम उनकी बर्फी के लिए बनवाएंगे, ठीक है। A few moments later. हाँ जी किधर तक पहुंचे भैया? भाई ये पहुंचे हैं कि अभी ये वाला जो है ना मसाला वो इसके अंदर डाला है हमने, और उसको भूनने के बाद हम डाल रहे हैं चिकन। ये मसाला जो है ना कराची बिरयानी की जान है, यकीन करो कभी तुम लोग इस्तेमाल करो ना और मसाले भून जाओगे। ये मैं तुम लोगों को वो नहीं दे रही, इनकी पब्लिसिटी नहीं करी, वो तो हो ही नहीं है, मगर ये आप लोगों के लिए खास आप लोगों के लिए बता रही हूँ, टोटका बेस्ट है ये। अच्छा तो भाई एक बात आपको बता दो मेरी बहनों को ना, ठीक है, कुछ सही वाली रेसिपी बताना, ये ना आओ उनके मियाँ बोले चल पेकिया हाल तुम्हारे, ठीक है, 1500-2000-3000 रुपए तू खराब किया मेरी बिरयानी के ऊपर, और बोले चल पेकिया हाल, ठीक है, तो मेरा मूड सही होता फिर वापसी आएगी। तो लेडीज मैं आपकी ना सैड ले रहा हूँ, ये तुम मुझे बता रहे हो कि अगर नहीं सही हुई तो तुम पेकोगे ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। अभी तुम्हारी कौन बात करे, तू तो मेरी जान ही नहीं छोड़ दी, क्योंकि इतनी चिपकू है ना, इतनी चिपकू है, ऐसी मेरी जान पकड़ी है, छोड़ ही नहीं रही, यकीन करे जानती नहीं पेकिया, जा गुस्सा करके जा, नाराज हो के जानती क्यों नहीं हूँ मैं, गुस्सा करके ना और कुछ कर दूंगी, बता रही हूँ। नहीं 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 शाह जी क्या हो गया शाह जी, आजकल की यकीन करे औरतें सही डाटी किस्म की औरतें हैं, खतरनाक औरतें हैं, हम लोग जो मियां लोग हैं बिल्कुल ना, ठीक है, मस्कीन बंदे हैं, यकीन करो, रहते हो गाइस इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करो ऐसे के मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, आप लोग बोलिए हटे मजी से, ये बोलते थे मुंह में पानी आ रहा पानी आ रहा, तो भैया इतनी मजेदार बता नहीं सकती, अभी इसका पानी ड्राई, तो मत बताओ कौन पूछ रहा है तुमसे, मत बताओ, नहीं बता सकती तो मत बताओ हमें, क्या हो गया आपको? हम इसके अंदर जो है ना दही डालेंगे, क्या हो गया बंदा, क्या नहीं कह रही, मत बताओ तो मत बताओ, नहीं सुनने वाले कौन था, बंदा कोई मर रहा है तुम्हारी, ठीक है, खुशबू करके सुन, अबे यार यार क्या क्या कर रही है यार ड्रामे बाज। तो आप प्लीज चैनल के ऊपर नहीं, प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है लाइक, और ये आपको पता हमारी एक दूसरे के साथ नोक चोक प्यारी लाडली नोक जो चलती रहती है, इसके बिना ना इसे मजा आता है और ना मुझे मजा आता है, अगर आप लोगों की मियां और बेगम में नोक चोक ऐसी चलती है तो कमेंट्स करके जरूर बताओ, जरा अपना इजहार तो करो, हमें भी पता चले हमारे जैसे और कितने लोग हैं, अगर किसी की लड़ाई ज्यादा होती है तो प्लीज आप दोनों को चाहिए प्यार मोहब्बत से रहना। 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं टेस्ट मैच 5 दिन तक क्यों है,
और इस वजह से ठीक है हंस के खेड के गुजारो। अबे क्या हो गया तेरे को भाई, तू ड्रामे कर रही है, मैं सर जान जान के ड्रामे कर रही था। दही डालने का टाइम आ गया तो दही डालो और कम मकाओ। और बढ़िया पैणा सारियां नहीं कच्ची छच्ची नहीं, तो गाय देख लो चिकन डाल दिया, चिकन भून रहा है। मिर्ची छिर्ची डाली या नहीं डाली आपने भाई? वो बिरयानी मसाला डाल दिया, और कौन सी मिर्ची ऊपर से ये डालो जो तुमने मुझे खिलाई? ये मुझे एक मंदी ने बोला भाई आप इतनी पढ़ी लिखी है, बिलाल साहब के साथ ऐसे बात क्यों करती हो? बहन मेरी जिस टाइम इतनी सॉलिड किस्म की तुम्हें मिर्ची लगनी है ना, तमीज जानी है कहीं और। पढ़ा लिखा बंदा ठीक है, आपे आपे आप से बाहर हो जाता जब उसे ज्यादा मिर्ची लगी। यकीन करो उसने, मैं खुद भी इसने बाद में एक्सक्यूज किया, मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे चुटाई है, यकीन करो मेरा सारा मुंह जल रहा था, मेरा पेट दर्द करने लग गया था उसकी वजह से। और यकीन करो बेचारी नींद में थी, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने कर रही। तो मुझे उसने बड़ा इसके ऊपर ठीक है लाड, बाद में आया जब मैंने वीडियो वॉच की तो मुझे बहुत लाड आया। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, इतना बिलाल साहब आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए था। एक मासूम सी प्यारी सी अच्छी सी बेगम है आपकी, और ये देखो खुशी माशाल्लाह चेक कर, मासूम 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 शेरनी, ये कहाँ की भाई इंसानियत है? मशरूम और शेरनी नहीं हो सकती। तो गाइस खुशबू बहुत टैट आ रही है, बदला ले लिया इसने बोरी बोरी, यकीन करो मेरे से। मैंने भी इसे ऊपर टोंटे मारी, बदला ले लिया बोरी। बाकी आप चैनल के ऊपर नए, प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो पसंद लाइक, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो। Few minutes later. जी शादी कितने तक पहुंचे हो? तो भाई पहुंच गए हम, आपको आ गई है याद हमारी? हाँ तो यार है ये देखो गाइस, ये जो सर्दे का कलर डाला जाता है ना, ये ऐसे ये मैं इसलिए ऐसे पाउडर वाला डाल देती ताकि ना वो मिक्स नहीं करती किसी चीज में, जैसे दूध में मिक्स करो या पानी में, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे ना वो दुकान वालों की तरह का रंग है। हाँ, तो ये जो कलर डाला जाता है ना, इससे पता चलता है कि भाई ये कराची बिरयानी है, क्योंकि कराची बिरयानी के अंदर आपको कलर भी मिलता है, मोटे मोटे आलू भी मिलते हैं और आपको चिकन की बोटियां भी मोटी मोटी मिलती है, और जो टेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ऐसे कहते हैं ऐसे अल्लाह अल्लाह, ये टेस्ट माशाल्लाह बनता है। मेरी जान जो बिरयानी बनाती है ना माशाल्लाह अखीर लेवल की बनाती है। मैं ऐसे लाइक दे दो जल्दी से, आप भी चैनल के ऊपर हो तो सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी दो। मेरे नाक में दम करते हैं ना, इस तरह दम लेंगे हम। वाह क्या बात है, दम भी सही ना आप, सही वो मॉडर्न तरीके से दे रही है माशाल्लाह। ये तो ये देखिए जरा गाइस चेक करो, ऐसे दम दिए जाए तो माशाल्लाह फिर जो बिरयानी बनने वाली है वो तो अखीर लेवल की बनने वाली है। यकीन करें अगर आप लोगों ने एक दफा अजीजा के हाथ की बिरयानी खा ली ना, तो आप पता क्या करने वाले हो, आप हर यारवीं के ऊपर आप लंगर खाने के लिए आते रहोगे, ये हम पक्का बता देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन शर्त एक है, अगर ये दिल से बिरयानी बनाए तो, जिस दिन का बिरयानी बनाने का मन नहीं हो ना तो फिर ये मगरू ला देती है बिरयानी को। मुझे देखो अभी तो माशा से बहुत मेहनत की है, ये तो मुझे पता है, आप लोगों को भी नजर आ रहा है वीडियो के अंदर, अभी तो बिरयानी जी जान लगा के की है बिरयानी, और सारी किचन में खड़े होकर बिरयानी बनाई, ये नहीं है कि उधर चले गए उधर चल गए, बिरयानी अच्छी बनाती है। अगर आप भी मेरी बहन हो बिरयानी लवर हो तो कमेंट से जरूर बताना, अगर आप बिरयानी में से एक्सपर्ट हो सही लेवल की बिरयानी बनाते हो तो फिर भी आप अपने टी के नंबर जरूर बताएं, आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। मासूम बच्चे को आ रही है नींद, उसको मैंने सुलाया नहीं, तुम लोगों के बिरयानी के चक्कर में रीनी करता फिर रहा हो मेरे आगे, उसके पास देखो कैसे कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई। तो मेरी जान क्या हो गया, आप सलाये उसे ठीक है बिरयानी खिलाए और सलाये, अगर मैं जल्दी जाता हूँ, मैं जल्दी जाता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ ठीक है। A few moments later. Guys, माशाल्लाह से कलर चेक करो, मिक्स नहीं कर पाते, बस आपको तो चीटे चावल खाने होते हैं ना? नहीं, जब बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाए मजा नहीं आता। तो गाइज ये देखो जरा बिरयानी का लेवल चेक करो माशाल्लाह से, यकीन करे आउटस्टैंडिंग बिरयानी है, खुशबू जो आ रही है ना ऐसे भावला कर रही है मेरे को, पागल कर रही है, इतने लेवल की बिरयानी लग रही है मेरे को बनी है। बाकी टेस्ट करके आपको बताने वालों, अभी दिखा दो आपके मुंह में पानी आ रहा है तो जरूर बोलेंगे हाँ बिलाल भी हमारे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखो जरा बिरयानी, माशाल्लाह से बिरयानी का लेवल चेक करो जरा, मेरा तो दिल कर रहा है फोरी फोरी सारी खा दी। A few moments later. गाइस यहाँ पे देखो सारी प्लेट खत्म कर दी और इस बंदे ने जरा नहीं बताया कैसी बनी है। गाइस मैं ना बताने के बाद पास नहीं, इतने मजे किया मैंने कहा पहले ये काम ना खत्म करूँ उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा। ये तो चीटिंग हुई है, आ रही है और बिरयानी माशाल्लाह से टेस्टी है, मैं बता नहीं था अल्फाज नहीं, इतनी टेस्टी मतलब 10 में से 10 नंबर। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर आपने करना है, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। अभी आपका भाई खाएगा बिरयानी और आपसे लेता है इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय।